हेलो गाइस, कैसे हो आप? आज बात करते हैं अंडररेटेड कॉमेडी मूवीज़ की। अगर आपने ये मूवीज़ नहीं देखी है, इसे देखना ना भूले, क्योंकि ये रियली आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। लाइक धमाल 2। नंबर 5 पे है तेरे बिन लादेन। साल 2010 में रिलीज़ हुई ये मूवी। यूएस और पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन ये मूवी दोनों देश के इर्द गिर्द घूमती है। अली जफर, जो चाहत रखते हैं अमेरिका में जाने का और एक बेहतर अमेरिकन लाइफस्टाइल सपने का, कंटिन्यूस वीज़ा रिजेक्शन झेल रहे अली हसन पाकिस्तान में एज अ न्यूज़ रिपोर्टर डंका टीवी चैनल के लिए काम करते हैं। नूरा, जो अपने सिकंदर से बहुत प्यार करता है और जो सेम ओसामा बिन लादेन समान दिखता है। हसन अली सोचते हैं, अगर नूरा को ओसामा बिन लादेन दिखा के वीडियो बना दे और वो वीडियो बेच के आए पैसों से अमेरिका जाने का सपना पूरा कर दे, लेकिन उस वीडियो के कारण कैसे वो मुसीबत में फंसते हैं ये दिखाया है। और अली के अमेरिका का ड्रीम पूरा होता है या नहीं, ये तेरे बिन लादेन में दिखाया है। नंबर 4 पे है लुटकेस। साल 2020 में रिलीज़ हुई ये मूवी के डायरेक्टर राजेश कृष्णन, जिन्होंने ट्रिपलिंग भी डायरेक्ट की थी। कुणाल खेमू, रसिका दुगल, विजय राज, रणवीर शोरे एंड गजराज राव, हर एक ने बेहतरीन काम किया है इस मूवी में। नंदन कुमार, जो एक मशीन रिपेयर का जॉब करते हैं मुंबई के एक प्रिंटिंग प्रेस में, अपने डे नाइट शिफ्ट जॉब और घर वालों के बड़े सपनों में फंसे हैं। मुंबई के एक चौल में रहने वाले नंदन कुमार को एक दिन पैसों से भरा बैग मिलता है। उसके बाद कैसे उनकी लाइफ करवट लेती है और सब उस बैग की तलाश में लगते हैं। यह कहानी लुटकेस की आपको एक कॉमेडी राइड पर ले जाएंगी। नंबर 3 पे है ओए लक्की ओए। दीपकर बैनर्जी द्वारा लिखित इस मूवी को 2008 में रिलीज़ किया गया था, जो रियल लाइफ बेस पे है। अभय देओल और परेश रावल की एक्टिंग का भाई क्या कहना। लक्की सिंह, जिसका लाइफ का एक ही मोटो है, जो चाहिए उसे पाना है कैसे भी। मनजोत सिंह ने यंग लक्की सिंह का किरदार निभाया था, जिसे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला है। लक्की सिंह, जो अपने बंगाली फ्रेंड के साथ दिल्ली के बड़े घरों से महंगा सामान, टेलीविजन्स, होम थिएटर, ज्वेलरी और महंगी गाड़ियाँ चुराता है। और हाँ, परेश रावल ने लक्की के डैड, डॉक्टर हांडा एंड गोगी, ये तीनों का रोल निभाया है इस मूवी में। अभय देओल की एक्टिंग आपका दिल जीत लेंगी। नंबर 2 पे है एजेंट साई श्रीनिवास अथरिया। साल 2019 की नवीन पॉलीशेट्टी की इस मूवी को क्रिटिक्स ने काफ़ी पसंद किया था। ये एक थ्रिलर और ह्यूमरस कॉमेडी मूवी है। नवीन पॉलीशेट्टी, जो नेरुल में प्राइवेट डिटेक्टिव FBI मतलब फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं, अपनी असिस्टेंट के साथ लोकल्स के छोटे मोटे इशू सॉल्व करने में लगे रहते हैं। लेकिन एक दिन जेल में उनकी मुलाकात होती है मारुति राव से, जो अपनी बेटी दिव्या के कातिल का केस एजेंट साई को देते हैं। साथ में 3 मोबाइल नंबर, जिसे दिव्या को कॉल आया था बिफोर डेथ। लेकिन ये मिस्ट्री सॉल्व करते समय खुद कैसे चंगुल में एजेंट साई फंसते हैं, उसी को इस मूवी में दिखाया है। नवीन पॉलीशेट्टी की कॉमिक टाइमिंग एंड एक्टिंग भाई आपको नवीन पॉलीशेट्टी का फैन बना के छोड़ेंगी इस मूवी के बाद। नंबर 1 पे है छोटी सी बात। बासु चटर्जी द्वारा निर्मित साल 1996 की अमोल पालेकर की ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवी है मेरे लिस्ट में। अमोल पालेकर, जो एक शाय बंदा है जिसकी मुलाकात होती है प्रभा, और पहली मुलाकात में प्यार होता है, लेकिन लो कॉन्फिडेंस और शाय बिहेवियर में वो प्रभा का पीछा तो करता है, लेकिन अपनी दिल की बात नहीं कह पाता। प्रभा वो भी अरुण से प्यार करती है, लेकिन वेट करती है अरुण के अप्रोच का। हताश में अरुण अंत में खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्र नाथ विल्फर्ड सी की ओर मुड़ता है, जिसने प्यार करने वालों की उनकी सच्ची नियति खोजने में मदद करना अपना मिशन बना लिया। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं। कर्नल सिंह के ट्रेनिंग के बाद अरुण अब कॉन्फिडेंस और माचो गाय बन गया है, और प्रभा को उसके बाद कैसे अप्रोच करता है। इस मूवी को बेस्ट स्टोरी के लिए फिल्म फेयर भी दिया गया है। ये 5 मूवीज आप इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। इस लिस्ट में धमाल, पड़ोसन, हेरा फेरी, वेलकम नहीं है, क्योंकि ये 5 अंडररेटेड मूवीज है। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए फिल्मी सूर्या को सब्सक्राइब करना ना भूले।